हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि उसका डीसी लीवर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उसको हमने कैसे ठीक किया। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो कि उसमें क्या वजह थी। और आप ये काम घर पर भी कर सकते हैं, इतना आसानी से मैंने वो वीडियो में बताया है। क्योंकि ड्राफ्ट लीवर का सही से काम ना करना तो ट्रैक्टर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, तो उसका वीडियो मैंने डाला है, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि ये ट्रैक्टर जैसे जुटाई में चलता है तो दब जाता है और डीजल की खपत बहुत ज़्यादा करता है और ट्रैक्टर हल्का सा गर्म भी होता है। तो ऐसा होने की छोटी छोटी बहुत सी वजह होती है। बहुत से हमारे किसान भाइयों का हम पे कॉमेंट आता है कि हमारा ट्रैक्टर लोड नहीं लेता है, दब जाता है, जुटाई में डीजल भी ज़्यादा खाता है। तो उनमें से ये एक वजह है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैं पहले ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और एक आवाज़ आप तक 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 की एक आवाज़ सुन रहे हो यहाँ पे। बहुत ज़ोरों से एक टर 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 की आवाज़ आ जाती है और यहाँ पे एक आवाज़ सुन सकते हैं, ये एयर क्लीनर से, एयर क्लीनर से एक आवाज़ आती है ढक 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 की। ये ट्रैक्टर में यही फॉल्ट है कि डीजल ज़्यादा खाता है, ट्रैक्टर दब जाता है जुटाई में। तो ये आवाज़ किस चीज़ की है दोस्तों? इसके अंदर में इसका ये जो टैपिट है वो टैपिट ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ है और इसी के चलते ये ट्रैक्टर लोड में दब जाता है और डीजल की खपत भी ज़्यादा करता है। तो चलो हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसका टैपिट कितना लूज़ है। और इसी के चलते दोस्तों इसका ये एयर क्लीनर भी आवाज़ करता है, तो हमें इसका टैपिट सेट करना है केवल। तो अगर आपके ट्रैक्टर में भी ऐसी समस्या है तो आप सबसे पहले इस तरह से उसका टैपिट चेक करवाएं। अगर डीजल ज़्यादा खाता है, ट्रैक्टर दब जाता है ना, गर्म होता है, तो पहले टैपिट चेक करवाओ। तो चलो एजाज उसका टैपिट खोलो, 16-17 का रिम पाना भी ले लो, 16-17। तो दोस्तों हम जल्दी से इसका तीनों टैपिट कवर खोल लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका टैपिट कितना लूज़ है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। ये डीजल खाता है ना, तो बहुत सी वजह होती है, लेकिन सबसे पहले अगर अचानक से डीजल खाना शुरू कर दिया है उसने, तो उसका टैपिट चेक करो। इसमें तो साफ पता चल जाता है कि इसका टैपिट आवाज़ करता है, इसका मतलब टैपिट ढीला है। कई बार क्या होता है दोस्तों, टैपिट टाइट हो जाता है, तो टाइट टैपिट कभी भी आवाज़ नहीं करेगा, तो उस टाइम भी यही समस्या आती है, ट्रैक्टर दबने लगता है और उस टाइम पर क्या होता है दोस्तों, धुआँ भी देने लगता है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, लाओ कैमरा नज़दीक लाओ। तो हमने इसका ये टैपिट कवर निकाल लिया। तो दोस्तों अगर कभी भी आपके ट्रैक्टर में ऐसी समस्या आती है ना, तो सबसे पहले आपको टैपिट चेक करवाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना लूज है और आवाज़ भी आप सुन सकते हैं दोस्तों, दिखता है ना, बिल्कुल देख सकते हैं ये बटा। इसका मतलब इसका ये टैपिट ज़रूरत से ज़्यादा लूज है, जैसा मैंने आपको बताया, देख सकते हैं दोस्तों। और सभी टैपिट इसका लूज है, बहुत ज़्यादा प्ले है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही वजह है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जल्दी से हम इसका टैपिट सेट करते हैं। अगर आपको इसका टैपिट सेटिंग कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले डाला है, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो कि उसका टैपिट कैसे सेटिंग किया जाता है। तो चलो अब हम इसको जल्दी से इसका टैपिट पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाते हैं कि उसका फायरिंग किस तरह से पूरा चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो आओ इधर नज़दीक आओ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि पहले उसमें काफ़ी प्ले था, अभी देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं आपको करीब से आवाज़ सुनाऊँ। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं है, और ये जो प्लेट है पहले उसमें टक 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 सी बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी ना, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने 10-12 पे सेट किया है और
अगर आपको उसका पूरा वीडियो देखना है टैपी सेटिंग कैसे किया जाता है तो उसका वीडियो मैंने पहले से डाला हुआ है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पहले बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो ये अभी टैपिट हमने सेटिंग कर लिया है। तो अब हम जल्दी से उसका टैपिट कवर लगा के आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाएंगे कि पहले जो इसमें आवाज़ थी वो किस तरह से बंद हो गई। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसका टैपिट कवर फिटिंग कर लिया है, तो अब मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें पहले कितनी ज़ोरों से आवाज़ थी टैपिट की। देख सकते हैं दोस्तों, उसका पूरा फायरिंग चेंज हो गया। आवाज थी जो पहले उसमें तर 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 की आवाज थी ना, वो बिल्कुल गायब। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसका पूरा फायरिंग चेंज हो गया। कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं है। तो देखा दोस्तों कि उसमें वजह क्या थी, केवल उसका टैपिट लूज हो गया था जरूरत से ज्यादा। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, टैपिट जरूरत से ज्यादा टाइट हो जाता है, तब भी ये समस्या आती है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको अभी लाइक करें और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें, ताकि अगर उनके ट्रैक्टर में भी कभी ऐसी समस्या आती है या है तो हमारे वीडियो के माध्यम से वो ठीक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे इससे भी अच्छे आने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।